और ये बॉल है और ये टू प्लेयर है, आप इसको ऐसे करके खेल सकते हैं, चार लोग खेल सकते हैं, पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है ये गेम, पूरे वर्ल्ड में वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर। तो इनका रेंज क्या होगी सर? दो डाइसेस का जो टोटल आएगा उसका नंबर के कॉम्बिनेशन में सेट करना है। तो एग्जाम्पल आपका आया सेवन, तो सेवन नीचे कर सकते हैं या फिर वन या सिक्स नीचे कर सकते हैं या थ्री एंड फोर नीचे कर सकते हैं। तो उसको वेजिटेबल्स, बर्ड्स, फाइव एंड वन, अलग अलग रेंज है फ्लैश कार्ड्स की, रीयूजेबल होते हैं सारे फ्लैश कार्ड्स। आप इस पर कुछ भी लिखोगे तो ये मिट जाएगा। ओके, ये रब हो सकता है, ये रब हो जाएगा, तो आप कितनी बार भी उसको रीयूज कर सकते हो। स्पेशल प्रोडक्ट है 100 वर्ड्स का, इसके अंदर पहले 100 वर्ड्स बताए गए हैं जो जो बच्चा बोलना सीखता है जी। बचपन में खेला था जो मेमोरी मैच गेम, इसके अंदर बच्चे को याद करने के लिए है। तो दो चीज़ें एक साथ निकालनी है अगर। सो हाय, वी आर अ क्लैपजॉय कंपनी एंड वी आर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुडन क्रोशेट एंड पेपर बेस्ड टॉयज। सो वी हैव दिस वुडन सेटअप, सो वी हैव रिप्रेजेंटेड केदारनाथ मंदिर इन वुडन फॉर्म, सो यू कैन सी दिस ब्यूटिफुली डिजाइंड मंदिर इन MDF। वी हैव लाइक बेबी टॉय वेर यू कैन हैव अ बॉल ट्रैकर, तो आप बच्चे एक एक बॉल डाल सकते हैं एंड इट कम्स बिलो। ओके, सो दिस इज अ स्पेल मास्टर जिसमें बच्चा अपना स्पेलिंग सीख सकता है। सो ये स्पेलिंग गेम है जिसके अंदर बच्चा हट को देख के यहाँ पे कार्ड डालेगा एंड उसको हट का वर्ड लिखना है जी। सर इनकी प्राइस रेंज क्या होगी? सर ये बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है, ये 600 टू 700 की रेंज में आराम से कस्टमर को मिल सकता है। अच्छा, तो सर आप सिर्फ होलसेलिंग करते हैं या रिटेलिंग भी करते हैं? सर होलसेल भी है, कुछ 30 शॉप्स पे हमारा भी जा रहा है और इस एग्जीबिशन पे बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि मैक्सिमम लोगों के साथ जुड़ सके। ओके ओके, ये हमारा सबसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, ये कैरम बोर्ड फॉर्म में आया था स्लिंग पर, ये हाईएस्ट सेलर है हमारा और इसके अंदर दो लोग खेल सकते हैं, 5 स्ट्राइकर्स ईच होते हैं और एक दूसरे के एंड पे जाना होता है। तो इसकी क्या प्राइस रेंज होगी सर? सर इसका 800 प्राइस रेंज है। तो आप MRP बता रहे हैं या फिर नहीं? ये डिस्काउंटेड प्राइस है, अमेजोन पे आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे देख लेंगे, मीशो पे देख लेंगे, मिंत्रा पे देख लेंगे, फर्स्ट क्राई पे देख लेंगे। तो ऑनलाइन भी आप सेल करते हैं क्या? हाँ जी, ऑनलाइन पे सारे प्लेटफॉर्म्स पे है। अच्छा, ये पार्टी गेम है लैच एंड कैच जिसके अंदर पार्टी बेस्ड है, आपको ये हुक डालना है, दो साइड से लोग खेलते हैं और जो हुक सबसे ज़्यादा डालेगा वो सबसे ज़्यादा, और एक ड्रिंक गेम है बेसिकली। ये अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास का रिटेल सेलिंग प्राइस है। ये हमारी क्रोशेट रेंज है जिसके अंदर आपको ये डॉल मिल जाएगी, ये क्रोशेट से हैंडमेड है, आर्टिसंस ने बनाई है, तो ये एक दिन में एक डॉल बनती है। Okay, एक पूरा हैंडमेड है, एक से डेढ़ दिन लग जाता है इसको बनाने के लिए। तो ये डॉल है, इसी के अंदर हमारे पास बॉल है, हमारे पास नीम वुड के अंदर टीथर्स है, रैटल्स है, तो ये सब कुछ हैंडमेड है। हाँ सर, तो इनकी प्राइस रेंज क्या होगी सर? ये जैसे डॉल है तो कस्टमर को अराउंड 1000 से 1100 रुपये में मिल जाएगा और ये टीथर है अप्रॉक्सीमेटली 350 रुपीज़ में मिल जाएगा। ओके, ये स्टैकर हैंडमेड होने की वजह से थोड़ा कॉस्टली है, इसका थ्रेड वुडवर्क बहुत ज़्यादा है और हैंडमेड है पूरा। ओके, ये बच्चे का मिनी लॉकर है, आप मिनी लॉकर देख सकते हैं, इसके अंदर 13 कोड 183 कोड है, तो जब आप 183 यहाँ डालेंगे 183 तो आपको ये खुल जाएगा। ओके, और ये लॉक कर देते हैं, कोड चेंज करोगे तो नहीं खुलेगा। ओके, तो ये तो इसमें कोड चेंज भी कर सकते हैं? नहीं, कोड चेंज नहीं कर सकते। ओके, ये हमारी यूनिक गेम है मैग्नेटिक फुटबॉल, आप इसको नीचे से मैग्नेट से खेल सकते हैं और ये बॉल है और ये टू प्लेयर है, आप इसको ऐसे करके खेल सकते हैं। ओके, ये 4 प्लेयर स्लिंग पक है, उसी के अंदर हमने 4 प्लेयर गेम बनाई है जिसके अंदर 4 लोग खेल सकते हैं, पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है ये गेम, पूरे वर्ल्ड में वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर। तो इनका रेंज क्या होगी सर? सर इसका 1700 है। 1700, और इस गेम की? सर इस 2300। 2300, हाँ जी। ओके, ये टैंगरा है, छोटे बच्चों के एजुकेशनल गेम है जिसके अंदर 7 पीसेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बन सकती हैं, चेयर आप ले सकते हैं, रॉकेट बन जाएगा, आपको फिश बनानी है फिश बन जाएगी, इसको रीअसेंबल करके आप उसको बना सकते हैं। ओके, ये एक यूनिक गेम है जिसके अंदर आपको टिक टैक टो जीरो काटा खेला था, बट ये उसका एडवांस वर्जन है। Okay. तो टिक टैक टो में जैसे आप चलते थे जीरो एंड काटा, तो इसके ऊपर आप इसको पुट ओवर कर सकते हैं। Okay. तो एक एक चांस के ऊपर आप किसी और की अपनी चांस रख सकते हैं, सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है। यस यस, ठीक है। ये एक बोर्ड गेम है, पार्टी गेम है और ये फैमिली गेम भी है। इसके अंदर आपको एम ये है कि दो डाइसेस का जो टोटल आएगा उसका नंबर के कॉम्बिनेशन में सेट करना है। तो एग्जाम्पल आपका आया सेवन, तो सेवन नीचे कर सकते हैं
या फिर 1 या 6 नीचे कर सकते हैं या 3 और 4 नीचे कर सकते हैं। तो मेन एम ये है कि आपके सारे शट हो जाने चाहिए, जिसके सब शट हो जाएंगे वो जीत जाएगा। ओके ओके ठीक है। इसमें स्कोर कार्ड भी दिया है, इस स्कोर कार्ड से आप उसको ठीक है। तो 4 प्लेयर में जिसका लीस्ट स्कोर होगा वो जीत जाएगा। ओके। हमारे पास ये फ्लैश कार्ड्स हैं बच्चों के लिए 0 to 3 years के। 0 to 3 years में बच्चे की विजन नहीं होती है। yes. तो वो ब्लैक एंड वाइट ही देख सकता है, तो बच्चे के आगे इस फॉर्म में वो प्लेस हो जाते हैं और वो प्लेस करके अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं, ऐसे 20 कार्ड्स हैं इसके अंदर, जिसके अंदर वो बच्चे के आगे रख सकते हैं। ओके। तो थोड़ा सा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको इस फॉर्म में कलर्स दिखने शुरू हो जाते हैं, जब वो 3 months 4 months प्लस हो जाता है। तो ये एक ही बकेट में आते हैं सारे? अलग अलग हैं वैसे। okay. जैसे जैसे बड़े ब्लैक एंड व्हाइट कलर ये सब ये एक में आते हैं? अलग अलग बॉक्सेस हैं इनके। okay. तो आप अलग अलग बॉक्सेस परचेज कर सकते हैं। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होगा तो उसको वेजिटेबल्स, बर्ड्स, 5 in 1 अलग अलग रेंज है फ्लैश कार्ड की। रीजनेबली प्राइस्ड है, 150 rupees के आसपास एक प्रोडक्ट। तो आप एक एक डब्बा ले सकते हैं, या फिर बच्चे को हमने एक्टिविटीज़ वाले फ्लैश कार्ड भी बनाए हैं जिसके अंदर बच्चे एक्टिविटीज़ कर सकता है। ओके। तो ये रीयूजेबल होते हैं सारे फ्लैश कार्ड्स, आप इस पर कुछ भी लिखोगे तो ये मिट जाएगा। ओके, ये रब हो सकता है? ये रब हो जाएगा, तो आप कितनी बार भी उसको रीयूज कर सकते हो। 100 स्पेशल पेन्स आते हैं या फिर कोई भी स्केच पेन यूज़ कर सकते हो? एंड वो रीयूजेबल हो जाता है। और जो हमारी फ्लैश कार्ड्स की चीज़ है वो अच्छी ये है कि ये बड़े बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। पिग है तो हमने फोटो दिया है, हिंदी में लिखा है, और उसके बाद ये भी बताया कि उसका घर क्या होता है, उसका यंग वन का नाम क्या है। okay. उसका मेल फीमेल का नाम क्या है और क्या खाता है। okay. तो मतलब 4 साल या 5 साल का बच्चा आराम से उसको कर सकता है। और फिर ये ट्रेज है हमारे पास कुछ, जिसके अंदर 1 2 3 निकल जाते हैं नंबर्स और वो प्लेस कर सकता है। okay. और ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है 100 words का, इसके अंदर पहले 100 words बताए गए हैं जो बच्चा बोलना सीखता है जी। ठीक है। ये जीके के फ्लैश कार्ड्स हैं, थोड़े से 6 साल के बच्चों के रेंज में आ जाते हैं। okay. जिसके अंदर वो हमने समझाया है कि हर स्टेट की कैपिटल क्या है, हर स्टेट की लैंग्वेज क्या है, डांस क्या है, फूड क्या है, फेमस मॉन्यूमेंट क्या है, और वो कहाँ पे लाई करता है, उसका एम्ब्लेम क्या है। okay. ये तो स्टेट्स हो गया, ऐसे ही हमने कंट्रीज़ का भी बताया है। जैसे कंट्रीज मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ हमने फेमस पर्सनालिटीज़ भी दिखाई है, जैसे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के हैं, तो उसके बारे में उनका सारा कुछ डेट ऑफ बर्थ से लेके उनकी हिस्ट्री बताई है। और हमने कुछ वो दिए हैं कंट्रीज़ का हमने बताया है, जैसे फ्रांस है तो फ्रांस का फ्लैग कौन सा है, और उसके बाद उनकी कंट्री कैपिटल क्या है, लैंग्वेज क्या है, करेंसी क्या है, और फेमस मॉन्यूमेंट क्या है। तो ये पूरा सेट आता है, बहुत रीजनेबली प्राइस है, 400 rupees के रेंज में। ओके। ठीक है। और ये एक हमने बचपन में खेला था जो मेमोरी मैच गेम, इसके अंदर बच्चे को याद करने के लिए है, तो 2 चीज़ें एक साथ निकालनी है, अगर सिमिलर है okay. तो बाहर निकालनी है। yes, yes. तो ऐसे करके निकालनी है, तो मैक्सिमम जो निकाल देगा वो जीत जाएगा। okay. ये बच्चे की राइटिंग के लिए है, ट्रेसिंग, तो बच्चे की हैंड राइटिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव करने के लिए हमने okay. इसमें पेंसिल दी है, और यहाँ पे वो ट्रेस कर सकता है। okay. और उसको फिर yes. उसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है। okay. ये एक ट्रे 180 rupees के आसपास आती है। ओके okay. तो आप जो रेट बता रहे हैं, MRP बता रहे हैं, ये रिटेल प्राइस है कस्टमर्स के? रिटेल प्राइस है ये वाले। ये okay. बच्चों के लिए डॉल हाउस है, जिसके अंदर बच्चा अपना किड्स विला के नाम से है। ओके। और ये अपना डॉल हाउस बना सकता है पजल की फॉर्म में। अच्छा, तो ये एक ही हाउस है इसमें या फिर एक ही हाउस अलग अलग करके? एक ही हाउस है, 2-3 floors है, 500 रुपये का। हाँ ओके। दीज आर डॉट कार्ड्स, दिस इज फॉर द ईयर ऑफ 6 months to 6 years, और इसके अंदर अलग अलग डॉट्स होते हैं 1 से लेके 100, आगे 1 लिखा होता है और पीछे डॉट्स होते हैं उतने ही। बच्चे को जब 6 महीने का होता है तो उसको अलग अलग डॉट्स दिखाए जाते हैं फॉर द IQ लेवल, तो उसकी मेमोरी और उसकी मोटर स्किल्स इंप्रूव करने के लिए 6 months से इसकी स्टार्ट हो जाते हैं डॉट कार्ड्स। और ये 14 weeks का कोर्स होता है, 14 हफ्ते ये डॉट कार्ड्स उसको दिखाने होते हैं, तो उसका IQ लेवल बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, एक जगह 28 कार्ड्स हैं और एक जगह 50 कार्ड्स हैं, तो बच्चे को बताया जाता है कौन से कम है कौन से ज़्यादा है, तो उसको पता लगता है कि ये ग्रेटर है या लेस है। आप इसके कार्ड की क्वालिटी देखिए, आपको लगेगा ये आपने जब बचपन में कार्ड देखा होगा तो जी जी। बहुत स्लिपरी नहीं, स्लिप नहीं करेगा। ये काफी एडवांस है, ऐसा कुछ नॉर्मल नहीं है कार्ड।
तो ये बड़े कार्ड्स हैं, बच्चे को दिखाए जाते हैं, 6 महीने से शुरू हो जाते हैं और 2 साल 3 साल के आराम से मदर्स उनको बच्चों को दिखाते हैं। कितना प्राइस होगा जी इसका? सर ये प्राइस 3000 MRP है, बट 2400 में आपको मिल जाएगा। 2400 भैया रिटेल प्राइस बता रहे हैं? रिटेल प्राइस। अच्छा, और सर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते? clapjoy.com विजिट करें, हमारे अमेजोन स्टोर है, फ्लिपकार्ट स्टोर है, सब जगह जाके आपको मिल जाएगा। फर्स्ट क्राई पे भी है, नेस्ट्री पे भी है, मिंत्रा पे भी है, सब जगह हम अवेलेबल है। अच्छा, और डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो? सर हमारी कंपनी का clapjoy.com पे एड्रेस है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सअप है, सब कुछ है, वहाँ से कर सकते हैं। ये मेरा इनका विजिटिंग कार्ड है। हाँ जी, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी।